अलग अलग जगहों पर श्वेता ठंड काफी ज्यादा है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन खास तौर पर ऐसे वक्त में कोशिश होती है कि लोग सिकाई कर सके, लकड़ियां अपने घर में रखे, तो कैसा रहता है माहौल? बिल्कुल, अलाव जलाने से आप गर्म महसूस करते हैं और वो आग आपको एक तरीके से सुकून देती है, मतलब आप गर्म अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे देश भर के अलग अलग कोनों में लगी आग में, जहाँ पर करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया और कई लोगों की नींदें उड़ा ली गई। बिल्कुल, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आग के तांडव की खबर हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ नुकसान पहुंचा है आग की वजह से, उसकी एक रिपोर्ट देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर आग की तीन तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, देखिए कैसे दहशत फैला रही है ये आग, ये इतनी भयानक है कि उसे बयां नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर से है, जहां किश्तवाड़ में सेना के कैंप में भीषण आग लग गई, जबकि तीसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की है, जहां एक दुकान में आग लगी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां फतेहपुर बेरी इलाके के एक गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी थी कि इसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग की इस खबर से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां बुलानी पड़ी। गोदाम में लगी आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ये आग किश्तवाड़ के चतरू में स्थित आर्मी के 11RR यूनिट में लगी थी। सेना के कैंप के अंदर लगी ये आग कितनी भयानक थी, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग ने जब बेहद विकराल रूप ले लिया, तब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। ये आग हिमाचल प्रदेश के रोहडू बाजार में लगी थी। करीब एक घंटे में भवन की चारों मंजिलें आग की चपेट में आ गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग क्यों लगी, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन करोड़ों का सामान स्वाहा हो चुका है।